जम्मू कश्मीर बैंक हम जम्मू कश्मीर बैंक के साथ वाबस्ते थे, हम एटीएम गार्ड थे, अचानक से हमको पता नहीं चला कि हमको नौकरी से निकाल दिया गया, ये मसला, इसलिए हम आए गए हैं इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी करो, जस्टिस। मुझे नहीं, मुझे लगता है जैसे हम कश्मीरी हैं ना, मुझे लगता है हम मुहाजर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एकदम मुहाजर बना दिया जेके बैंक ने हमको, एकदम अपने से पराया कर दिया जेके बैंक। जेके बैंक तो बोलता है ये कश्मीरी आवाम का बैंक है, मुझे नहीं लगता ये कश्मीरी आवाम का बैंक है। मेरी हालत देखो, कमरा ये एक है, देखो हम चार भाई हैं, चार भाई के पास चार कमरे हैं, मेरे पास ये एक कमरा है, इसमें खाना, इसमें सोना, इसमें बैठना, तीन बेटियाँ लेकर मैं इस कमरे में हूँ, मेरी हालत ऐसी। अब तो इन्होंने भिखारी बना दिया हमको, मुझे लगता है जल्दी जल्दी हमको हाथ में कुछ ठेला वेला पकड़ना है, लाल चौक में डालना है, स्मार्ट सिटी में कम से कम कोई 10 रुपया 20 रुपया हमको डालेगा, ऐसी हालत की है हमको जम्मू कश्मीर बैंक में। पता नहीं आज ये कौन सी सरकार, क्या हो रहा है हमारे साथ। मुझे लगता है कि पहले पहले जब हड़ताल होती थी बोलते थे लोग कश्मीर 10 साल पीछे चला गया, लेकिन आज तो हमें लगा है हम 600 साल पीछे गए हैं। 8,140 रुपया हमारी तनख्वाह, ये भी इनको गवारा नहीं होता है जम्मू कश्मीर बैंक को। ये तो बोलते हैं हम लोन देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन हमारी समझ में ये ना, ये तो लोगों को बेरोज़गार कर रहे, सड़क पे ला रहे हैं लोगों को। मैं गए 10 वरी जनाब काम करा, 10 वरी बाद कोरम ना दुख, दहि बाद दुख दिवान तुम सा छुट्टी, तुम कर छुट्टी, तुम गो पुन घर अस दो क्या अस लो कैमरा जना, अस लोग कैमरा, अस कैमरा करो पाने काम, तुम्हें जरूरत वो कहें वो बुढ़ कत गो रेश मुबारक कत गो एहसास कहें इन पे आर्टिकल फुटवा इम कायदा आ कहें सब हेरा फेरी सब गुंड पार्टी गुंडागर्दी गुंडा राज को हमारी मांगे गवर्नर साहब एल जी साहब, वी वांट हमारी मांगे एटीएम गार्ड्स को अगर एटीएम गार्ड की देखे तो वो खाली एटीएम गार्ड ही नहीं है, वहाँ हेल्पर भी है, वो एक बंदे की हेल्प भी करता है, क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं उनको नहीं पता होता एटीएम चलाते कैसे है, करना क्या है, निकला नहीं निकला, बैलेंस है नहीं है, तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये खाली ये नहीं है कि चोरी हो गई तो वो रोकेंगे, कोई बंदा ऐसा होता है बुजुर्ग होता है अपना पेंशन निकालने के लिए आता है टाइम निकाल के, तो यहाँ पर उसको नहीं निकलेगा तो वो क्या करेगा, वो तो कैमरा से थोड़ी बोलेगा मेरी हेल्प करो। यहाँ जेके बैंक का वो एमपे नहीं चल रहा है तो ये एआई क्या चलाएगा इनके एटीएम्स को, ये ऐसा हो जाएगा कि कल को कोई एटीएम भी नहीं जाएगा, फाइनली क्या होगा कि सारे लोग घर पे बैठ जाएंगे। ऑन वन हैंड द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट क्लेम्स दैट दे आर वर्किंग ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट ऑन द अदर हैंड व्हाट यू आर सेइंग अबाउट the bank guards, ATM guards are being thrown out from their job. It is really unfortunate and it should not have happened. What will these people do if they have been working as ATM guards for so many years now? Suddenly they are being told that they are not part of the system anymore. The LG, Mr. Manoj Sinha, is claiming on every platform that this government is committed to provide employment to Kashmiri youth. On the other hand, people who are employed, it is not only these ATM guards. Earlier also, there have been instances where people who were doing their jobs, they have been thrown out of their jobs. So, government needs to make it stand clear whether they want to make people dependent or whether they want to give them they really want to empower people. It seems that they want to make people dependent on others. So it is really unfortunate. हमें भी इसके बारे में कुछ खबरें सुनने को मिली हैं, which is not true. एक तो वो employee नहीं है J&K Bank के, because जो bank employee करता है
انگیج کرتا ہے سروسز, وہ ایک دائرے سے ایک سیکیورٹی ایجنسیز کے تھرو کرتا ہے, آؤٹ سورس امپینل سیکیورٹی ایجنسیز کے تھرو کرتا ہے. تو ایز پر ریکوائرمنٹ بینک لیتا ہے ان کی سروسز جب بھی ضرورت ہوتی ہے. مور اوور ہمیں ایز پر آر بی آئی گائڈ لائنس جو کہ سبھی بینکس کے لیے ایک ضروری ہیں, ہمیں بھی اس کی کمپلائی کرنا ہے جس میں ای سرویلنس کے لیے کیا گیا ہے. تو ایز پر ریکوائرمنٹ بینک ان کی سروسز لے رہا ہے. اور مور اوور ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے کہ جب جے کے بینک کے لیے وہ بول رہے ہیں, جو کہ جے کے بینک کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. دے آر امپلائی آف دیئر اون جو آؤٹ سورس ایجنسیز ہیں, ہمارے بینک کا اس کے کوئی لینا دینا نہیں ہے.